वज़ीरे आला हाउस पेशावर में तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीरे आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन अजमत गुल से। जी अजमत गुल, कोर कमेटी के इजलास की मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये वजीर अला हाउस में कोर कमेटी इजलास के अंदरूनी कहानी सामने आई है। इजलास में अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी के दरमियान तह जुमलों का तबादला हुआ है। हम बानी पीटीआई की सियासी है और सियासी वर्कर है, किसी और के लिए हम किसी हुक्म नहीं मानते। अली अमीन गंडापुर का यह कहना था कि हम बानी के सिपाही है और उनके लिए काम करेंगे, जबकि कोर कमेटी के मेंबरान ने मरकजी क्यादत को शदीद तनकीद का भी निशाना बनाया, जबकि कारकुनान निकलने पर कोर कमेटी मेंबरान साबिक सदर अरिफुल भी बरस पड़े, जबकि बुशरा बीबी अरिफुल के हक में बोल पड़े। साबिक सदर के हक में बोलने पर अली अमीन ने भी बुशरा बीबी की जाल फैला दी, जबकि इजलास में शौकत यूसुफजई के बुशरा बीबी के हवाले से बयान पर भी गर्मा गर्म बात हुई, जबकि साबिक स्पीकर मुश्ताक गनी ने शौकत यूसुफजई की हिमायत बयान की हिमायत की, जबकि बुशरा बीबी ने शौकत यूसुफजई के बयान पर नाराजगी का भी इजहार किया है। पीटीआई जराए का यह भी कहना है कि कौन कौन कारकुन को लीड करेगा और यह फैसला क्यों नहीं हुआ मेंबरान की क्यादत से, अहम सवाल यह भी सामने आया है कि उनके लीड अली अमीन गंडापुर कर रहे थे या बुशरा बीबी कर रहे थे, तो सारा मलबा अली अमीन गंडापुर पर नहीं आता, क्योंकि अली अमीन गंडापुर आखिरी वक्त पर डी चौक में वहां पर मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया अजमत गुल, तफसील से बता रहे थे।